पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। इसका मेन मकसद जो 31 तारीख के दिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और लीडर जाकर जो है ना फेक फेसबुक आईडी पे जो पोस्ट किया जा रहा है इसके खिलाफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से हम कल 1 तारीख के दिन स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक कंप्लेंट दिया गया है जिसके अंदर तहरीर में जो बीजेपी का आईटी सेल है इसके तरफ से जो रूमर्स उठाए जा रहे हैं, जो गलत गलत पोस्ट शेयर किया जा रहा है और उसके बावजूद कोई और दूसरे शेयर कर रहे तो इनके ही पेज पर दूसरे शेयर करने के बाद ये लोग ही जाके जो है ना कंप्लेंट किया जा रहा है उसमें पॉपुलर फ्रंट का नाम दिया गया है विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी तहकीक के पॉपुलर फ्रंट का नाम बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से जगतियाल में अपनी खिदमत को अंजाम देते हुए आ रही है। एजुकेशन लेवल पर हमारी कम्युनिटी डेवलप होना, देश हमारा आगे बढ़ना बोलकर हम एजुकेशन लेवल पर काम कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ गरीब गुरबाओं की जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर लेते हुए दलितों की हक के लिए आवाज़ उठाने वाली पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और आदिवासियों के हक के लिए आवाज़ उठाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है वो बैकवर्ड कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए जो हम मुहिम चला रहे हैं इसके खिलाफ हमको बदनाम किया जा रहा है। हम ये सोशल मीडिया पर देखते हुए आ रहे हैं राजा सिंह करीमनगर के लोगों को गलत अल्फाज से बात करते हैं और उनको जो है ना गालियाँ देते हैं और ऐसे कई सोशल मीडिया पे जो है ना राजा सिंह के न्यूज़ आ रहे हैं जो लोगों के अंदर इंतजार पैदा किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़ को हम जगतियाल के अंदर जो परमाहौल अमन का माहौल है इस अमन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाले लोग, हम बीजेपी के ये जो फेक प्रोपेगेंडा को हम जो है ना मानने वाले नहीं है और हम देखते हैं उन्नाव के बच्ची के साथ हमारी बहन के साथ क्या इंसाफ किया जा रहा है। उन्नाव का जो रेप केस में एमएलए इन्वॉल्व है, एमएलए रेप किया है उसके खिलाफ उनकी हुकूमत जो है ना इंसाफ नहीं दिला रही है। ये लोग जगतियाल में जो है ना जगतियाल के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। जगतियाल के कई इशू हम देखिए, हम ईदगाह के ऊपर झंडा लगाया गया, कोडमियाल के मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया गया बीजेपी का, बहुत सारे जो है ना ऐसे इशू है जो हमारी एकजहती को और हिंदुस्तान की एकता को ठेस पहुंचा रहे हैं। हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, हमारी जो मज़हबी जो फ्रीडम है इसको जो है ना छीन कर इसके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जा रही है। जगतियाल के पर माहौल को, अमन के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं, बीजेपी के बातों में नहीं आकर हमारी जो एकता का माहौल है, अमन का माहौल है, पीस का माहौल है, इसको हम अमन के माहौल को, अमन के जो है ना दायरे में ही काम करने की ज़रूरत है। बीजेपी के प्रोपेगेंडे को जो है ना नज़रअंदाज करना है और हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि ऐसे जो फेक आईडी लगाकर बीजेपी आईटी सेल लाखों रुपए खर्च कर रही है इनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है और बीजेपी के एक्टिविटी और विश्व हिंदू परिषद की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम जो है ना हम ये सेकुलर हिंदुस्तान के अंदर हम जो है ना माहौल को ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हैं इनके खिलाफ़ हमको काम करने की ज़रूरत है, इनके खिलाफ़ बोलने की ज़रूरत है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आवाम से कि इनके बातों में ना आए, हम जो है ना पीस को, अमन को कायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह जगतियाल के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर कम्युनिटी बहुत ही मोहब्बत से भाईचारे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसी कोई फिस्ता या ताकत आकर हमें जो है ना तोड़ नहीं सकता। हमारी जो गंगा जमुना तहजीब है, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसकी खूबसूरती यही है कि हम सब मिलजुल कर रहें और ऐसे फेक आइडियो से जो मैसेजेस आ रहे हैं इसको जो है ना नज़रअंदाज करें।